है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। यूपी के फिरोजाबाद के हालात इस भयानक बीमारी ने बहुत खराब कर दिए हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या का पहला मामला भी इसी जिले से आया था। इसके बाद नगर विधायक बीजेपी का लेटर जो लापरवाही की पोल खोलते हुए जमकर जिले में वायरल रहा। हालांकि इसके बाद सत्ताधारी विधायक बैकफुट पर नजर आए, लेकिन लापरवाही में कमी आना बंद नहीं हो सकी। हॉस्पिटल कर्मचारियों पर पीपीई सुरक्षा किट के लिए हंगामा। मरीजों के हॉस्पिटल से वायरल वीडियो सभी कुछ देखा है सुहाग नगरी ने। इस कोरोना काल में हाल ही में एक पुलिसकर्मी जिस पर कोरोना से जंग का सैनिक मानकर जनता ने जमकर फूल वर्षा की और अपनी जांच के लिए छटपटाता देखा है फिरोजाबाद ने। इतना ही नहीं, इस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिस पर पूरे जिले को इस महामारी से बचाने का जिम्मा है, इसी के कार्यालय जिले में कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, उसमें सरकारी कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है और काफी वो चल रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना के लिए इतना रुपया दिया गया, सभी विधायकों की विधायक निधि ले ली गई, वेतन में कटौती कर दी गई, हम लोगों ने 15-15 लाख रुपया दिया इस बीमारी के निधि से दिया, आपको एक एक साल की विधायक निधि ले ली गई और उसके बाद भी सही तरीके से कोरोना का इलाज नहीं हो रहा, ये शर्म की बात है। अखबार पढ़ते सूचनाएं मिलती हैं, रेलवे का एक कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के मर गया कि हमारी जांच करा, उसकी जांच नहीं, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। संविदा कर्मी अपूर्व शर्मा जो संविदा CMO ऑफिस में था, जो विभाग कोरोना की जांच करता है, और वो अभी मर गया, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और उसकी वही नौकरी कर रहा है, वहाँ कोरोना की जांच है, उसकी जांच नहीं की गई और कोरोना मरने के बाद कोरोना निकल। एक थाने का सिपाही नेत्रपाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी जांच कराइए, उसकी जांच नहीं हुई, और जब ज़्यादा हंगामा हुआ तो उसकी जांच कराई गई तो उसे कोरोना निकला। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि कोरोना के नाम पर ये क्या मजाक बनाया जा रहा है, ये प्रशासन शासन क्या कर रहा है। वैसे ही जनता बिल्कुल बर्बाद हो चुकी, मर चुकी, जो लाखों करोड़ों मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए, मासूम बच्चे पैदल जा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, खाना खाने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ इस मामले में सरकार, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पूरी तरह फेल है, और कोरोना पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनपद फरियाबाद में 200 मरीज लगभग हो गए और प्रवासी मजदूर आए, तो इससे हमको लगता है कि अब गांव-गांव कोरोना फैलेगा अगर सही तरीके से इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। मेरी मांग है सरकार से कि अधिकारियों को सतर्क करें और निर्देशित करें कि गांव-गांव टीम बना करके, गांव में न तो कहीं सैटेलाइट हो रहा है, नहीं मास्क बांटे जा रहे हैं, पता नहीं ये रुपया कहाँ चला गया, कौन खा गया, और भाजपा के लोग नेता तो घरों में दुम दबा के बैठे, इनकी हैसियत इनकी हिम्मत नहीं है जो अधिकारियों से कुछ कह सकें या अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें, इनमें इतना साहस नहीं है। ये महामारी का टाइम है, इसमें अगर जनता के भलाई के लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़ेगा, कहीं भी कहना पड़ेगा, तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जनता के हित में उठाएंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा भाजपा के लोगों से भी और नेताओं से अनुरोध है कि जनता ने ही आपको नेता बनाया है, जनता की आगे लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे तो जनता आपको सबक सिखा देगी। इस पे आवाज उठाइए कि गांव-गांव में जो कोरोना फैलता जा रहा है, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनकी लड़ाई के लिए प्रशासन को सतर्क करें, अपनी सरकारों से कहें, ये तुम्हारी सरकार है या तुम सत्ता में हो, सत्ता में रह के तुम जनता की मदद नहीं कर पा रहे तो फिर तुम कम मदद करोगे। इसीलिए मेरी सबसे अपील है जिम्मेदार लोगों से, जिम्मेदार अधिकारियों से और सरकार से, इस कोरोना जैसी महामारी में मजाक न करें जनता के साथ, जनता की लिए दवाइयों की और ये सैनिटाइजर और मास्क सब की व्यवस्था की जाए जिससे जनता सुरक्षित रह सके। और जनता से भी मेरी अपील है, लॉकडाउन का भी पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी से रहें,
डरे नहीं कोरोना से, लेकिन सुरक्षा सावधानी बहुत जरूरी है। और हमारी इन्हीं शब्दों के साथ शासन और सरकार से मांग है कि इस कोरोना में कोई ढिलाई नहीं दी जाए। इतना पैसा, जनता का पैसा, जनप्रतिनिधियों का पैसा और दानदाताओं ने इतना पैसा दिया है, उस पैसा को अगर खर्च कर लेंगे जनता के हित में तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, जनता की जान बची आएगी। और यही जनता अगर रहेगी तो आपको फिर MLA MP बना देगी। इन्हीं शब्दों के साथ